गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो अभी मैंने इतनी सी पढ़ाई करके छोटा सा ब्रेक लिया, तो कौन सा तीर मारा? और मैं जा रहा हूँ अपना आज का 1000 जगलिंग चैलेंज का टारगेट हिट करने। आज हमारा तीसरा दिन, तो चलिए चलते हैं। और आगे इस व्लॉग में मैं आपको बेस्ट होममेड हाई क्वालिटी प्रोटीन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको ज्यादातर लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम पढ़ाई कर रहे हैं। और अब यहाँ पे होगी जगलिंग, तो निकल जाओ यहाँ से प्यार से। नहीं निकलेंगे। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों, आज पैर की कंडीशन कल से ज्यादा बेटर है, तो आई होप जगलिंग अच्छी होगी। तो चलिए अपनी जगलिंग स्टार्ट करते हैं। बढ़िया सी एकदम मस्त वाला मौसम हो रहा है। Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. Yeah. F a critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. यस फ्रेंड्स, आज मैंने 1000 जगल्स करे, वो भी सिर्फ एक बार बॉल गिराई बीच में, वो भी मेरी शिन से लग गई तब गिरी। और 1000 प्लस जगल्स करे, और मैं अभी आगे और भी कंटिन्यू कर रहा था, पर मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और अराउंड द वर्ल्ड मारने लगा, और उस वजह से बॉल गिर गई। बट आज मैंने आज सिर्फ एक बार बॉल गिराई, मतलब एक अलग ही लेवल की खुशी हो रही मेरे को। हाँ, तो थोड़ा सा पैर में भी दर्द हो गया, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था मैं। बट कोई नहीं, आज मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा लगा। एक ही बार बॉल गिरी पूरे जगल में, बाकी मतलब मज़ा आया मेरे को करने में। मैं आपको हाईलाइट दिखा दूंगा, और अगर आप मेरे को आज कमेंट करोगे तो मैं इसकी पूरी वीडियो भी डाल दूंगा। बट आप मेरे को बता देना आपको क्या चाहिए। बट फिलहाल इस आज के ब्लॉग में मैं सिर्फ हाईलाइट ही डालूंगा। तो चलिए मैं आपको अब प्रोटीन के बारे में बता देता हूँ। पहले ज़रा थोड़ा पसीना वगैरह पहुँच लें, फिर चलते हैं अपना किचन में, आपको बताता हूँ मैं। फ्रेंड्स, आजकल क्या है कि मैं ट्रेनिंग से अलग बॉल के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, और मतलब कितना अच्छा लगता है ना, जिस चीज़ से आप प्यार करते हो उससे आप ज़्यादा समय बिता रहे हो, एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ रहती है। तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं, हम थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद मैं आपको रेसिपी दिखाता हूँ पूरा किचन में ले जाके। तो चलिए चलते हैं। शॉर्ट में कहूँ फ्रेंड्स, तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए आपको करना क्या है, दूध फाड़ लेना है। वो आप कैसे ही फाड़िए, दही से, नींबू से। मैं इसमें दही से दूध फाड़ रहा हूँ। तो देखिए, हमारा दूध अब फट चुका है। अब आपको क्या करना है, जो उसमें से पनीर निकला है उस पनीर को आपको अलग कर लेना है, और उसके पानी को अलग कर लेना है। तो लीजिए, हमारा प्रोटीन अब तैयार हो चुका है, हमने पनीर अलग कर लिया है। तो अब हम इसे पी सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर होता है। तो ये था इसका पूरा बनाने का तरीका, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो दोस्तों, ये रहा वो प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके बताना। ये बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और मैंने देखा काफ़ी सारी, मैं डेयरी वगैरह में भी जाता हूँ, तो पनीर बना देते हैं और उसका पानी फेंक देते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना।
औरों के साथ भी शेयर करना फ्रेंड। और अगर आप चैनल पर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मेरे को यार मक्खी, तो अगर आपको कोई डाउट है या फिर मेरे से कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में यार भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।